गली में जाओगे उस गली में आपको कम से कम 3-4-5 जितने भी ट्यूशन, मिनिमम 3-5 ट्यूशन मिल जाते हैं। हर कोई अपने घर में ट्यूशन खोल लेता है। इट्स गुड कि आज सब लोग एजुकेटेड हैं इसीलिए खोल पा रहे हैं, बट आपको जानना और एजुकेशन डिलीवर करना ये दो अलग अलग चीजें हैं। आखिर क्यों हिंदुस्तान फिर से वो अपनी समृद्धि वो यश वो नहीं ला पा रहा है जो वो पहले था? आखिर क्यों भारत वापस से विश्वगुरु नहीं बन पा रहा? आज हम इसी पे बात करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल द सक्सेस काउंटर में, जिसमें हम लोग आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। 5 सितंबर इंडियन टीचर्स डे इसको सेलिब्रेट करते हैं। टीचर्स डे हमारे यहाँ 5 तारीख को यानी शिक्षक दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जिनका जन्मदिन हुआ था, और उन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष पर हम भारतीय 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ? इस कोरोना ने कई लोगों की जिंदगी को तबाह किया। हम जानते हैं केस में कई सारे ऐसे हॉस्पिटैलिटी या बहुत बड़े बड़े सेक्टर्स जो हैं इन पे इफेक्ट आए, लेकिन टीचर्स पर भी कोरोना का बहुत गंदा इफेक्ट आया। मैं उन सभी टीचर्स को नमन करता हूँ जिन्होंने इस कोरोना के प्रभाव के बावजूद बच्चों की शिक्षा पे आँच नहीं आने दी। मैं खुद पेशे से एक शिक्षक हूँ और मैं भली भांति जानता हूँ। इवन अगर मैं अपने आप को कंपेयर करूँ बाकी टीचर्स थे तो मुझे ज़्यादा हार्डवर्क नहीं करना पड़ा, लेकिन मैं उन टीचर्स की बात कर रहा हूँ जो रिमोट एरियाज में रह रहे हैं, जो ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ इंटरनेट नहीं है। मेरा एक फ्रेंड है, भाई है बोल सकते हैं, कश्मीर में रहता है, ताबीद जो कि टीचर है, और वहाँ पर 2G चल रहा आप सभी जानते होंगे पिछले एक साल से, और किसी तरह वो लोग पढ़ाई करना चालू करें, यानी कि बच्चों के एजुकेशन पे कोई इफेक्ट ना आ पाए वो भरपूर प्रयास कर रहे हैं, और मैं उनको सादर नमन करता हूँ। ऐसे कई मेरे पुराने टीचर्स हैं जो इस कोरोना काल में भी सारे बच्चों को उनकी एजुकेशन से उनको टच में रखे हुए, ये बहुत बड़ी बात है, और उनके लिए उनको कितना तैयारी करनी, क्योंकि कोई ये इस चीज के लिए कोई तैयार नहीं था। इस इंटरनेट, इस ई लर्निंग, ई एजुकेशन से कोई तैयार नहीं था। दूसरी की बात थी, मैं खुद तैयार नहीं था, तो फिर भी इन टीचर्स ने जो किया और जो कर रहे हैं वो आप सभी के सामने, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक पहले बात कर चुका हूँ। तो आज हम उनके प्रॉब्लम से बात नहीं करेंगे, आज हम बात, क्योंकि नियम था हमारा, जो मेरा कंटेंट जो आज था, कि भारत एक विश्वगुरु क्यों नहीं बन पाए। भारत हमारा विश्वगुरु पहले था, पहले हमारे यहाँ ये चलन नहीं था कि जो गुरु हैं या जो भी शिक्षक हैं उनको उनको कोई सैलरी या उनको कोई फी, उनको केवल एक फीस चाहिए होती है जो भी मिल जाती थी। बट आज के समय में जब सब कुछ काम पैसे से होता है तो ऑब्वियसली उनको भी पैसा चाहिए। ये तो रही बात हम कंपैरिजन कर रहे हैं प्राचीन काल से अभी के, लेकिन अभी की जो टीचर्स हैं मैंने खुद देखा, आप जिस गली में जाओगे उस गली में आपको कम से कम 3-4-5 जितने भी ट्यूशन, मिनिमम 3-5 ट्यूशन मिल जाते हैं। हर कोई अपने घर में ट्यूशन खोल लेता है। इट्स गुड कि आज सब लोग एजुकेटेड हैं इसीलिए खोल पा रहे हैं, बट आपको जानना और एजुकेशन डिलीवर करना ये दो अलग अलग चीजें हैं। मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ जो ये काम कर रहे हैं, बट ऐसे में क्वालिटी नहीं मिल पाती बच्चों को। मैं इन चीज़ की मैसी की सराहना करता हूँ कि वो लोग ओपन कर रहे हैं, और अगर प्राइवेट टीचर्स नहीं होते, मैं खुद एक प्राइवेट टीचर हूँ, और अगर वो नहीं होते तो बच्चे आज एजुकेशन ले ही नहीं आ पाते जो उनको ज़रूरत है। तो मेन चीज़ जो मेरा टॉपिक था वो था क्वालिटी। आप बोरे के भाव में टीचर्स रोज आए दिन निकल रहे हैं, आप हजारों लाखों की भीड़ है बच्चों की, कोई भी टीचर सिर्फ इसको यूँ कहूँ तो इसको पैसे बना रहे हैं या जो भी बना रहे हैं,
ऐसे में मैं उन टीचर्स को टारगेट कर रहा हूँ जो क्वालिटी नहीं दे पा रहे, उनको भी ज़रूरत है अपग्रेड होने की। समय के साथ उनको अपग्रेड होना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने हाल में एक इंटरव्यू देखा था जिसमें प्रकाश झाजी का इंटरव्यू, और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होती है, इंडियन पुलिस सर्विस होती है, आईएएस और आईपीएस रेस्पेक्टिवली, ऐसे ही एक और सर्विस होनी चाहिए, इंडियन टीचर सर्विस। इंडियन टीचर सर्विस जिसमें कि टीचर्स जो हो उनको उसमें एनरोल्ड होना ही पड़े, एक एक यू नो एक एक यूनिफॉर्म कोड या कोई भी ऐसी चीज़ होनी चाहिए उनके लिए, ताकि एक एलिजिबिलिटी हो जाए और उसमें जाने के लिए हर टीचर्स जो है वो एग्रेसिव हो। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ कहीं किसी के ऐसा नहीं है। अगर हम लोग को सच में भारत में विश्वगुरु वापस से वो चीज़ें लानी है, तो हर क्षेत्र में हमारे यहाँ सब्जेक्टिव टीचर्स होंगे और उनके लिए एक ITS इंडियन टीचर सर्विस अगर एक ऐसी चीज़ बनती है तो बहुत ही अच्छी होगी। दूसरी चीज़, इससे क्वालिटी बहुत अच्छी बढ़ेगी। आप इसको यूँ ना कह दें कि हम IAS और PAS एग्जाम दे रहे हैं, इसमें एक क्वालिटी, एक ट्रेनिंग, एक समय समय पर अपग्रेड, एक ट्रेनिंग होना चाहिए, एक मॉड्यूल होना चाहिए हर टीचर के लिए। आप जो शिक्षा नीति आई है वो पेपर पे इतनी अच्छी आई है कि मैं उसको बयान नहीं कर सकता, और अगर मैं शिक्षा या इन सब चीज़ों पे विधिवत बातें करने बैठूँ तो मुझे लगता है मुझे एक दिन पूरा हो जाएगा और मैं बात पूरी कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, इतना कुछ है मुझे कहने को। पर जो मेन मोटिव था वो था क्वालिटी, यानी कि कुछ ट्रेनिंग्स हर टीचर्स को समय समय पर अपडेट होने के लिए होना ही चाहिए। दूसरी चीज कि हमारे पास, अब ये मेरे मन की बात है, मैं टीचर्स केवल सब्जेक्ट टीचर्स को ही नहीं मानता, ये जो चीजें हैं ये मैंने आज जो भी बात करी है वो सभी के लिए, तो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए, हर उसके लिए, कि मैं भी कभी स्टूडेंट था और आज भी हूँ। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं जब भी पढ़ाता हूँ तब भी मैं ये सोचता हूँ कि हर स्टूडेंट, हर एक व्यक्ति से मैं कहीं भी कोशिश करता हूँ सीखने की। जिस दिन आपने सीखना बंद कर दिया उस दिन समझ लीजिए आपने इस दुनिया में आगे बढ़ना खो दिया। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, आप हर समय हर पल किसी से भी कभी भी सीख सकते। जब हम छोटे थे, सबसे छोटे, तो मेरी माँ ने मेरा पालन पोषण किया, सबसे पहली गुरु मेरी वो बनी, मेरे बाप बने, मेरे भाई बने, मेरे बहन बने। जब स्कूल गए तो हमें शिक्षक और साथी मिले जिन्होंने हमें सिखाया। आगे बढ़ते गए, नए दोस्त बनते गए, नए साथी मिलते गए, नए शिक्षक मिलते गए और हमको समय समय पर सिखाया। समय हमको बहुत कुछ सिखाता है और समय हमें समय समय पर कई लोग देते हैं जिनसे हमें सीखने को मिलते हैं। आज कोरोना है, इस कोविड से हम सभी ने बहुत कुछ सीखा है, तो मैं उस हर एक चीज, हर एक व्यक्ति, हर एक वस्तु को जिसने भी मुझे सिखाया उस सबको मेरा सादर नमन। हैप्पी टीचर्स डे।